नमस्कार, मैं रोशन आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ्स कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रतिशत चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिशत चैप्टर के लिए जो कंसेप्ट का ज़रूरत था हमने दिया, और उसके बाद हमने ये कहा कि जिस स्टूडेंट को जहां डाउट हो, जहां प्रॉब्लम हो, उस क्वेश्चन को आप टेलीग्राम के माध्यम से भेजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है, आज हम लोग उसी क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। आइए सवाल आपके सामने। सवाल कहता है, एक एजेंट को 10,000 रुपया तक की बिक्री पर 5% तथा इससे अधिक बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष धन वह कंपनी को 31,100 रुपया दे, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितनी बिक्री की। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक एजेंट को 10,000 रुपया तक 5% का कमीशन मिलता है। मतलब हम किसी कंपनी में जुड़ गए तो हमको कमीशन मिल रहा है 5%। कहाँ तक? 10,000 तक। और 10,000 के बाद जितना का हम बिक्री करेंगे कमीशन उसका 4% होगा। जैसे अब हम 20,000 लिख देते हैं, हम 20,000 का अगर बिक्री करते हैं तो 10,000 पर कमीशन कितना मिलेगा? 5%, और रेस्ट 10,000 पर कितना मिलेगा? 4%। यही सवाल कहता है। सवाल एक बार फिर से देख लीजिए आप। एक एजेंट को 10,000 रुपया तक की बिक्री पर 5% तथा इससे अधिक बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष धन वह कंपनी को 31,100 रुपया दे, तो ज्ञात कीजिए उसने कितने की बिक्री की। आइए, क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं, आइए हल करते हैं। पहले x मान लेते हैं, फिर दूसरा तरीका जो आएगा उसमें हम लोग x नहीं भी मानेंगे, सॉर्ट करने का प्रयास करेंगे जहां तक संभव हो। देखिए, कुल बिक्री मान लिया जाए हमने x रुपए का किया, तो इस 10,000 पर हमको मिलेगा क्या? आप कहिएगा 5%। तो इस 10,000 का 5% अपने पॉकेट में रख लेंगे। 95% किसको? कंपनी को। कि सब पैसा रख लेंगे? सब नहीं रख सकते। हमारा अधिकार यहाँ तक सिर्फ 5% पर है, तो इसका 5% हम रख लेंगे तो लौटाएंगे कितना? 95%। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। इसके बाद अब बचा कितना? x माइनस 10,000, क्योंकि x 10,000 से कम है ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। 10,000 से अधिक होगा, क्योंकि हम लोग 31,000 लौटा रहे हैं, इसका मतलब 10,000 से अधिक का बिक्री किए हैं। तो 10,000 में हम काट कर ये राशि लौटाएंगे, और 10,000 के बाद जो बिक्री किए हैं इस पर हम 4% ही ले सकते हैं, तो इसका लौटाएंगे कितना? 96%। इतना लौटाएंगे और इतना लौटाएंगे, और कितना लौटाएंगे ये दिया हुआ है 31,100। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आंसर है। समीकरण समझने में कोई दिक्कत है? नहीं है। आइए एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए, एक्स रुपये को आप दो भाग में बांटिए। एक्स रुपया देखिए, शुरू का 10,000 और 10,000 के बाद का राशि होगा वो होगा एक्स माइनस 10,000। ये बात आप समझ रहे हैं। इस 10,000 पर आप 5% कमीशन पा सकते हैं, ले सकते हैं, तो 5% ही ना आप रखिएगा, 95 तो लौटाना पड़ेगा, 95 तो कंपनी को जमा करना होगा। तो आप कंपनी को जमा कर रहे हैं यहाँ कितना? इसका 95%। अब यहाँ आप 5 नहीं रख सकते हैं, यहाँ आप 4 रख सकते हैं, तो 4% आप रखिएगा तो लौटाइएगा कितना? 96%। लौटाइएगा 96%, इतना लौटाइएगा, इतना लौटाइएगा, और कितना लौटाइएगा ये दिया हुआ आपके सवाल में, देख लीजिए क्या 31,100। इस समीकरण को आप हल कर लीजिए, आपका आंसर है। लेकिन इस समीकरण को हल करने में समय लगेगा, और उसी समय को बचाने के लिए हम चाहते हैं कि इसका विकल्प देखिए, दूसरा तरीका देखिए।
क्योंकि इतना वक्त अगर एग्ज़ाम में हम देते हैं, आप देख लीजिए एक समीकरण लिखने में कितना समय लगा, और समीकरण देखकर आप कह सकते हैं कि इसको हल करने में एक मिनट अभी और लगेगा कम से कम, तो हम लोग ज़्यादा समय दे रहे हैं। x का मान 32,500, कहने का मतलब हमने 32,500 का सेलिंग किया और कमीशन काट कर हमने कितना लौटाया, 31,100। देखिए शुरू में 5% और बाद में 4%, इसी के कारण थोड़ा दिक्कत हो गया, हुआ ना। आइए अब मान लीजिए ये 10,000 है और ये 10,000 के बाद का राशि है जो भी है, यहां तो आप 4% दे रहे हैं, यहां भी 4% मिल रहा है और यहां भी 4% मिलता तो क्या होता, तो एक जैसा कमीशन हो जाता। तो इस 10,000 पर आपको 5% मिल रहा था और आप कल्पना कर रहे हैं कि नहीं यहां भी 4% मिलता तो क्या होता, तो यहां भी 4% मिलता तो 1% का घाटा लगता ना, तो 10,000 का 1% क्या 100, यानी 100 और आपके पॉकेट से निकल जाता, तो आप लौटाते कितना कंपनी को, आप लौटाते 31,200। 31,200 कहां से आया, 31,100 तो आप लौटा ही रहे हैं, 100 रुपया और बढ़ जाएगा कहां से, हमने मान लिया कि इस 10,000 तक में भी हमको कमीशन 4% मिल रहा होता तो क्या होता, तो फ्लैट एक जैसा हो जाता 4%, तो यहां 4 मिलता तो कमी 1% का होता, क्योंकि पहले तो हमको 5 मिल रहा था ना, अब 4 मान रहे हैं तो 1% का कमी, और 10,000 का 1% निकालना कोई मुश्किल नहीं, 100 रुपया, तो 100 रुपया हमको घाटा लगता, मतलब मेरे पॉकेट से 100 रुपया निकलता, तो कहां किसको जाता, कंपनी को, और ये किसके बराबर होता, 96% के बराबर, क्योंकि हम सब जगह 4% अपने पॉकेट में रख रहे हैं तो सब जगह हम 96% लौटाएंगे, तो हमारा सॉल्यूशन ये होगा, आप समझ सकते हैं 96% बराबर कितना 31,200, तो 100% बराबर कितना, आपने कितने का व्यापार किया, निकल गया आंसर 31,200 / 96 × 100, कैंसिल कीजिए और लिखिए 32,500, ये आपका आंसर। दिक्कत क्या, देखिए इस तरह का बैलेंस आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, किसी को कम ज़्यादा, देखिए दोनों बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को सीधा आप बदल दीजिए, यहाँ 5 है तो 4 कर दीजिए, नहीं, 4 कर दीजिएगा तो 4 होने से जो दिक्कत हुआ है उसको भी बैलेंस करना होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ 4 है 5 है यहाँ भी 5 कर दीजिए, हाँ कुछ भी करेंगे तो उसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, जैसे हमने इस 5 को 4 किया तो 1% का घाटा लिया ना, तो 1% का घाटा हमको हुआ, इसका मतलब 10,000 का 1% 100 रुपया घाटा लगेगा, तो 100 रुपया किसको जाएगा, कंपनी को, तो 100 रुपया हम कंपनी को दे दिए तो कंपनी को कितना लौटाए 31,200, अब कंपनी को कितना लौटाएंगे तो कहिएगा 96, अब तो 95 का कोई जगह नहीं, तो 96% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना। आइए अगले सवाल में, आइए आपका अगला सवाल, सवाल देखकर हम लोग डरेंगे नहीं। कहता है एक कंपनी एक सेल्समैन को नियुक्त करती है तथा उसे मासिक बिक्री का 7% कमीशन देने का वादा करती है, बाद में कंपनी इस शर्त को बदलकर यह तय करती है कि उसे 3,000 रुपया प्रति माह दिए जाएंगे तथा 10,000 रुपया से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन भी दिया जाएगा, दूसरी शर्त के अनुसार उसे अब 800 रुपया अधिक प्राप्त होती है, तो वह प्रति माह कितने रुपये बिक्री करता है, कितने रुपये का सामान बेचता है, यही हमारा सवाल। आइए मान लिया जाए एक्स रुपये का व्यापार होता था, पहले हम लोग व्यापार कितने का करते थे एक्स रुपये का, इसका मतलब है
कि कंपनी से हमको हम लोग को मिलता होगा कितना, इतना कोई किंतु परंतु नहीं है। जितने का भी बेचेंगे उसका 7% हमको मिलेगा, ये क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है, बिक्री का 7%। लेकिन बाद में थोड़ा सा बदलाव आया, बदलाव क्या आया कि कंपनी इस शर्त को बदल कर यह तय करती है कि प्रति माह 3,000 रुपया दिए जाएंगे तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन दिया जाएगा। मतलब एक्स माइनस 10,000, 10,000 के ऊपर, तो 10,000 एक्स में 10,000 घटा लेंगे तो यही राशि होगा 10,000 के ऊपर। इस पर हमको कमीशन क्या मिलेगा, 4%। और क्वेश्चन कहता है ये मिलेगा और क्या मिलेगा, 3,000 मिलेगा। यानी बाद में हम लोग को क्या मिल रहा है, एक्स माइनस 10,000 का 4% और 3,000 जो फिक्स है। क्वेश्चन कहता है ये इससे अधिक है, कितना, 800। तो इसमें 800 जोड़ देंगे तो क्या दोनों बराबर नहीं हो जाएगा क्या, हाँ दोनों बराबर हो जाएगा। यही आपका समीकरण है, इसी को आप हल कर सकते हैं या इस समीकरण को एक बार आप फिर से देख सकते हैं। क्या आप मान लिए क्या, एक्स रुपये का आप व्यापार करते थे, एक्स रुपये का 7% आपको कमीशन मिलता था, तो ये पहले का कमीशन था। बाद में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इस कमीशन को बदल दिया गया, बदल दिया गया क्या कि 3,000 रुपया पर मंथ आपको दिया जाएगा और क्या 10,000 से ऊपर की राशि, यानी एक्स में 10,000 घटा लेंगे तो 10,000 से ऊपर का राशि हुआ, उस पर 4% का कमीशन हमको मिलता है। तो ये भी मिलता है बाद में और 3,000 भी मिलता है, और ये कमीशन इससे 800 अधिक है, तो इसमें 800 जोड़ देंगे दोनों बराबर होंगे। आइए x का मान निकाल लेते हैं, 800 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, 7x/100, और इधर क्या लिखेंगे, इसको तोड़ते हैं तो आता है 4x/100, और ये माइनस क्या, -400 प्लस क्या, 3,000, ये 4x इधर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x/100 बराबर। अब देखिए ये 3,000 में 400 जाएगा 2,600, और ये 800 उधर जाकर घट जाएगा और क्या हो जाएगा, 1,800। 3 से काट लेंगे 6 बार में, और x बराबर क्या, 60,000। यही आपका आंसर है। समीकरण थोड़ा सा जटिल लग रहा है, अगर हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझें तो शायद ये करने का ज़रूरत नहीं लगेगा। आइए आप इस सवाल को एक बार फिर से देखें। आइए शुरू में आपको 7% कमीशन मिलता था, बाद में कमीशन दो भाग में बांट दिया गया है, एक 10,000 के पहले और एक 10,000 के बाद। 10,000 के बाद आपको 4% मिलता है। आप सपोज कर लीजिए 10,000 के पहले भी 4% मिलता तो क्या होता, तो आपको कुल मिलाकर 3% का घाटा लगता, लगता ना। 7% के जगह 4% मिलता तो 3% का घाटा लगता ना। अब आइए और क्या होता, अगर यहाँ भी हम 4% लेते तो हमको कितना मिलता, 400, और हमको एक्स्ट्रा मिल क्या रहा है, 3,000। इसका मतलब 2,600 हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है, और 2,600 अधिक मिलने से क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2,600 अधिक मिलने से क्वेश्चन कह रहा है हमको पहले से 800 अधिक मिल रहा है, यानी पहले जो घाटा लगा है 3%, वो भी भरपाई हो रहा है और 800 अधिक भी मिल रहा है। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये 2,600 जो है वो जो 3% घाटा लग रहा है और 800 इसके बराबर है, तब तो पहले से ही 800 अधिक हो गया। 2,600 मिलने से क्या हुआ, 2,600 मिलने से पहले से 800 अधिक मिलने लगा, इसका मतलब जो 3% का घाटा दिखाई दे रहा है वो भी भरपाई हो गया और 800 अधिक भी हो गया, यानी ये 2,600 किसके बराबर है, उस 3% के और 800 के। तो 3% प्लस 800 बराबर क्या, 2,600, तो 3% बराबर क्या, 1,800, और 100% बराबर क्या, ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। आइए अगला सवाल, सवाल है किसी कक्षा में
लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थी से 12% अधिक है। मतलब लड़कों की जो संख्या अधिक है वो टोटल के 12% के बराबर अधिक है। तो क्वेश्चन कहता है लड़का और लड़कियों के संख्या का अनुपात क्या है। मान लेते हैं कुल लड़का x है और लड़की y। सवाल कहता है किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थी से 12% अधिक है, यानी लड़का जो है वो लड़की से अधिक है। कितना? 12%। हाँ 12%। किसका? लड़कियों का नहीं, कुल का। मतलब समीकरण को बराबर समीकरण बनाने के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कुल विद्यार्थी ये हुआ ना, इसका अगर 12% लड़कियों में जोड़ दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा ही कह रहा है ना, क्वेश्चन यही कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक है। कितना? कुल विद्यार्थी का 12%। ये कुल विद्यार्थी का 12% अधिक है तो इसमें कुल विद्यार्थी का 12% जोड़ देंगे तो दोनों को इक्वल हो जाना चाहिए। बस समीकरण हल कर लीजिए, अब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। एक्स बराबर वाई प्लस क्या 12x/100 प्लस 12y/100। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 88x/100 और ये दोनों जुट के क्या हो जाएगा 112y/100। ये और ये कैंसिल, x/y बराबर क्या 112/88। इसको छोटा कर लीजिएगा तो आएगा 14/11। यानी क्या, लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है वो 14 और 11 का। हम समझ रहे हैं क्वेश्चन को, समझने में कोई दिक्कत नहीं था। x कुल संख्या लड़कों का, y कुल संख्या लड़कियों का, ये दोनों बराबर नहीं है, लड़का अधिक है। कितना अधिक है? तो टोटल का 12%। तो टोटल का 12% इधर जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा ना, बराबर कर दिए और एक्स वाई का रेशियो निकाल लीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे नहीं बनाकर इस ढंग से सोचते हैं तो क्या होता है, जरा सा देखा जाए। ये 100% हमने माना किसको? लड़का को नहीं, लड़की को नहीं, कुल विद्यार्थी को। उस कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? जितने भी हैं वो 100% होंगे। और इसका 12% जो है वो अधिक है लड़कियों से, तो लड़का को इसका 12% दे दीजिए, क्योंकि लड़का हमेशा 12% अधिक होगा। तो बचा कितना? 88। अब 88 को दो टुकड़ा कर दीजिए तो लड़का हमेशा 12% अधिक रह जाएगा। तो 88 का दो टुकड़ा क्या, 44 इधर और 44 इधर, हो गया आपका आंसर। ये कितना? 56 और ये कितना? 44। रेशियो देखिए तो कितना आता है, 14 और 11 का ये आपका आंसर है। यहाँ ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया आपके लिए, यहाँ एक्स मान लिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब इसी क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी चलकर बना सकते हैं। लीजिए, आपके पास इस तरह का चार ऑप्शन होगा। क्वेश्चन बोला कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, और जिसमें लड़का अधिक है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। होगा क्या? क्योंकि लड़का अधिक होगा ना लड़कियों से। यहाँ क्या पूछ रहा है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात, तो लड़का ये होगा लड़की ये, और लड़का चूंकि अधिक है इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसको चेक कीजिए, ये लड़का अधिक है कितना, 3। कुल विद्यार्थी कितना, तो आप कहिएगा क्या, 53 और गुना 100। क्या ये 12% अधिक है? क्या नहीं, ये दशमलव में आएगा तो ये 12% अधिक, ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसको चेक कीजिए, लड़का कितना अधिक है, 3। कुल विद्यार्थी कितना, 25 गुना 100। आप देखिए 12% होता क्या, यहाँ से भी आप आंसर पकड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहता है लड़कों की संख्या अधिक है
लड़कियों से कितना टोटल का 12%, तो टोटल का 12% हुआ ना, ऐसे भी आप बना सकते हैं। आइए अगला सवाल कहता है, यदि 120 को x प्रतिशत कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x प्रतिशत बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x प्रतिशत 180 के x प्लस 20 प्रतिशत से कितना कम है? आइए, क्वेश्चन कहता है 120 को कम किया जाए कितना x प्रतिशत। फिर बढ़ाया जाए किसको? 40 को x प्रतिशत। और क्वेश्चन कहता है ये बराबर होता है, क्वेश्चन आपका साफ साफ कह रहा है 120 को x प्रतिशत घटाने पर या 40 को x प्रतिशत बढ़ाने पर वही परिणाम प्राप्त होता है, तो दोनों सेम बात है। तो अब आइए जरा सा इसको हम लोग हल करते हैं। 40 इधर लाने पर क्या होगा? 80, और 120 उधर जाएगा तो क्या होगा? 160 x बटे 100, और ये कितना दो बार में, और ये 50 बार में, x बराबर क्या 50, यानी x का मान क्या निकल गया 50। अब क्वेश्चन यहाँ के बाद अलग मान पूछा है कि ये इससे कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन कहता है 210 का x प्रतिशत, x का मान कितना 50%, 50% निकालेंगे तो कितना मान निकलेगा 105। फिर यहाँ क्या है, फिर यहाँ कहता है 180 का x प्लस 20%, यानी x का मान क्या 50, 50 प्लस 20 क्या 70, 70% आप क्या निकालिएगा 126। तो ये इससे, इसी दोनों में तुलना है ना, क्वेश्चन कहता है ये इससे कितने प्रतिशत कम है, इसका तुलना इससे हो रहा है ना। तो तुलना जिससे होता है उससे हम लोग भाग लगाते हैं, ये पहले ही क्लास से हम लोग सीखते आ रहे हैं। अब क्या ये इससे कितना कम है? 21 गुना 100, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। देखिए कुछ नहीं किए, किए क्या, क्वेश्चन बोला 120 में x परसेंट घटाना है, 120 में x परसेंट घटा लिए, और 40 में x परसेंट जोड़ना है तो उसमें जोड़ दिए। अब क्वेश्चन कहता है दोनों बराबर है, तो x का मान निकाल लिया, x का मान 50। अब क्वेश्चन कहता है 210 का x परसेंट यानी 50% कितना 105। अब 180 का 70%, क्यों 70, क्योंकि x का मान 50 है, 180 का 70% 126। अब क्वेश्चन कहता है 105 126 से कितना प्रतिशत कम है, तो 105 से 126 से कितना कम है, 21, तुलना किससे हो रहा है 126 से, गुना 100, यही प्रतिशत कम ही होगा, ये आपका आंसर है। हाँ, आइए अगला सवाल दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, किसी परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने का निर्देश दिया गया, ठीक है, 5% विद्यार्थियों ने सभी 5 प्रश्न का जवाब दिया। आइए, यानी सभी 5 प्रश्न का जवाब देने वाले कितने प्रतिशत? 5%, और एक भी प्रश्न हल नहीं करने वाले भी 5% है, यानी 0 प्रश्न हल करने वाले 5%। तो अभी तक 10% के बारे में जानकारी मिल गया। अब क्वेश्चन कहता है हल नहीं किया तथा शेष परीक्षार्थियों के 25% ने, अब यहाँ सबसे अधिक ध्यान देने योग्य वर्ड इस क्वेश्चन में कुछ है तो ये शेष है, अगर इस शेष में हम लोग शेष वर्ड को नहीं ध्यान दे पाए तो आंसर कुछ और आ जाएगा। शेष परीक्षार्थियों के, शेष वर्ड कब आया? इस 5 और इस 5 के बाद, मतलब 10% के बाद अब शेष है, मतलब 10% स्टूडेंट के बारे में कुछ ना कुछ कह दिया गया है, अब बचा कितना 90, तो शेष कितना होगा 90, यानी 90%। तो शेष परीक्षार्थियों के 25% ने, तो शेष है कितना, शेष अब है 90, और 90 का 25% यानी 90 का 1/4 कितना, तो आप कहिएगा 22.5 ने केवल 1 प्रश्न का जवाब दिया। अब 1 प्रश्न का जवाब देने वाले कितने, 22.5 प्रतिशत।
अब आगे फिर कहता है तथा 20% विद्यार्थियों ने 4 प्रश्न के, तो 4 प्रश्न के जवाब देने वाले 20% किसका, शेष का, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस देखिए एक साथ है, शेष परीक्षार्थियों के 25% ने केवल 1 प्रश्न, यही नहीं रुकता है आगे भी, तथा 20% परीक्षार्थियों ने 4 प्रश्न का हल किया, यानी शेष के बाद ये दोनों है, तो शेष का 25% और शेष का 20%, शेष कितना है 90, 90 का 20% कितना 18, यानी 18% ने 4 प्रश्न का जवाब दिया। आगे क्या कहता है, यदि कुल परीक्षार्थियों के 24.5% या अब शेष नहीं है, ये 24.5 किसके लिए है, कुल के लिए, कुल का 24.5% 24, तो कहता है 2 प्रश्न का जवाब देने वाले कितने, 24.5%। तो अब आइए 5 प्रश्न का जवाब देने वाले, 0 का जवाब देने वाले, 1 का जवाब देने वाले, 4 का जवाब देने वाले, 2 का जवाब देने वाले, अब बचा कितना, 3 प्रश्न के जवाब देने वाले, और 3 प्रश्न के 3 प्रश्न को हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या, 200। तो इस सब को जोड़िए तो कितना होता है, इन सभी को हम लोग जोड़ते हैं तो ये होता है 75 के बराबर, 5, 5, 10 और 24 और 22, 46, 147, 47, 47 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो 55, 10, 65 और 10, 75, यानी 75% के बारे में सूचना है। तो यहाँ कितना होगा, तो यहाँ होगा 25% और यहाँ संख्या दिया है कितना, 200, तो हम लोग लिखेंगे 25% का मान क्या, 200, 100% का मान क्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल गए। आइए कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या, 800, ये आपका आंसर। अगर कहीं दिक्कत है तो इस 22.5 में और इस 18 में, और कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए इस 5 के बारे में आप एकदम श्योर हैं, इस 5 के बारे में आप एकदम श्योर हैं, इस 24 के बारे में श्योर हैं, और इस 200 के बारे में भी आप श्योर हैं, तो दिक्कत कहाँ हो सकता है इस 22.5 और 18 में, क्योंकि 18 क्वेश्चन में नहीं है, 22.5 क्वेश्चन में नहीं, ये मान निकलता है, कैसे निकलता है, क्योंकि क्वेश्चन शुरू में बोला ये 10% विद्यार्थी जो है वो 5 और 0 हल करने वाले हैं, इस 10% के बाद कितने परसेंट बच्चे बचते हैं, तो 90%, तो शेष कितना बचा 90, और उस शेष का 25%, तो 90 का 25% क्या कहिएगा, 22.5, और 90 का 20% क्या कहिएगा, 20% मतलब 1/5, 90 का 20% क्या होता है, 1/5 यानी 18, तो 22.5 यहाँ, 18 यहाँ, तो इन सभी और 24 भी दिया हुआ 24.5, तो इन सभी को जोड़ते हैं तो ये 75 होता है, तो ये बचेगा कितना 25%, और इसका मान 200 दिया है, तो 25% का मान 200, तो 100% का मान क्या, यही कुल विद्यार्थियों की संख्या। हालांकि आज का जो प्रश्न हल किया गया ये प्रश्न आप ही लोग के द्वारा भेजा गया है, और आप लोग के द्वारा भेजा गया बहुत और सवाल बाकी है जिसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक आप और भी जो डाउट है आपके पास उसको भेजते रहिए, हम उसका जवाब देते रहेंगे जब तक आप पूछते रहिएगा।